मकामात थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर जो मेरे आका गए हैं, अल्लाह अकबर, वो कैफियत को हम बयान नहीं कर सकते। वो कैसी थी, वो कौन सी जगह थी और मेरे रब को मेरे आका ने कैसे देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा भी साहबा तो हुजूर ने इतना कहा, मैंने मेरे रब को बहुत हसीन शक्ल में देखा, लेकिन कोई चेहरा ऐसा था या कोई हाथ था कोई पैर था, मुआज़ अल्लाह, अल्लाह के लिए कोई जिस्म साबित नहीं कर सकते। ये भी याद रखें आप, अल्लाह का कोई जिस्म हम साबित नहीं कर सकते, क्योंकि जो तुम्हारे अकल में आ जाए वो खुदा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई इहाता नहीं कर सकता, वो सबको इहाता किया हुआ। अब यहां से मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे आवाज आई अपने रब की तरफ से, ए अहमद करीब आओ, ए अहमद करीब आओ, ए अहमद करीब आओ। मेरे आका का आसमानों में अहमद नाम है, जमीनों में मोहम्मद नाम, अहमद बुलाया जा रहा था। उसके बाद रब ताला से आप करीब होते गए, करीब होते गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब जुलझलाल ने अपने दस्ते कुदरत को मेरे सीने पर रखा, जिसकी ठंडक मैंने महसूस की और मैंने देखा जमीन के सारे खजाने मेरे सामने खुले हुए थे। मैंने आसमानों और ज़मीनों की सारी चीज़ें देख लीं, उसी वक्त मैंने पूरी कायनात को देख लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके सीने पर दस्ते कुदरत रखे, अब उससे कौन सी चीज़ छुपी रहेगी। इसीलिए मेरे अजीज़ों, हमारी ये महफिल भी मेरे आका की नज़रों से छुपी हुई नहीं है। अल्लाह ने अपने रसूल को वो ताकत व कुव्वत और तसर्रुफ अता फरमाया। अब अंदाज़ा करें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब जो राज़ो नियाज की बातें हुई अल्लाह और उसके महबूब के दरमियान, उसकी सारी तफसीलात तो है नहीं। अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी से क्या बातें फरमाई, बहुत सारी बातें थी, लेकिन जो उम्मत के लिए थी वो अहम बातें थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस वक्त मेरे रब ने एक ऑप्शन दिया, इख्तियार दिया। वैसे तो खुद अल्लाह ने बुलाया है, आज मेरे आका जो मांगते वो मिल जाता और मिला भी। अंदाजा करे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ताला ये फरमा रहा है, ऐ महबूब, आज तुम्हारी कोई हाजत हो तो बयान कर दो। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मेरे आका ने कभी ये नहीं कहा कि मौला मुझे अब किसी चीज की हाजत नहीं, बल्कि हमेशा हम तेरे मोहताज ही हैं। ये वो जमाना था जब मक्का वाले सता रहे थे, ये वो जमाना था जब मक्का वाले सहाबा को घसीटा करते थे, हुजूर पर सोशल बायकॉट के कानून लगाए थे, बहुत सारी पाबंदियां की थी, परेशान किए हुए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह तआला से अर्ज़ करते कि मौला ये सारी कुलफतें आज़ाद हो जाएं, मक्का में बड़ा महल मिल जाए, ऐश से मेरे सारे साथी मेरे सहाबा जिंदगी गुजारे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जब रब तआला ने फरमाया, ए महबूब, आज तुम्हारी कोई हाजत है तो बयान करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौला एक हाजत है मेरी, एक हाजत है मेरी। तो रब ने फरमाया, कहो मेरे महबूब। मेरे आका ने अर्ज़ किया, मौला मेरी उम्मत की बख्शिश मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। रब्बी हबली उम्मती, जिसका मतलब ही होता है हबली, मुझे दे दे मेरी उम्मत। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। जानते हैं आप, आज उसी शबे मेराज के वाक़े को हम नमाज़ों में अदा करते हैं, अत्तहियात हम पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। इसका मजमुआ पूरा फुकहा ने फरमाया, जब नबी ऊपर जा रहे थे मेरे रब के हुजूर तो ये पढ़ते हुए जा रहे थे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, जिसका मतलब होता है तमाम पाकियाँ अल्लाह तेरे लिए, तमाम सुथराइयाँ तेरे लिए, सारी तारीफें तेरे लिए। जब हुजूर ने यह जुमला फरमाया तो रब ताला ने जवाब में यूं फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। देखें सलाम कौन कर रहा है मेरे नबी को, अल्लाह खुद फरमा रहा है, ए नबी तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकत। हुजूर को सलाम मिला किसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोबारा यूं अर्ज किया, देखें यह भी मौका कैसा है, मियाँ अगर हमें कोई बड़ा आदमी सलाम कर ले तो हम क्या सोचें कि अब हमारी हैसियत बढ़ गई,
किसी और को याद करें ना करें, मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने सलाम फरमाया तो हुजूर आगे बढ़कर यूं अर्ज करते हैं, वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। मौला सिर्फ मुझ पर नहीं, मेरी उम्मत के सारे गुनहगारों पर भी तेरा सलाम और सालिहीन बंदों पर भी तेरा सलाम। मेरे आका कहाँ हमें फरामोश किए, कहीं हमें भूले हैं मेरे आका? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किसी जगह पर छोड़ दिया है? ए मेरे अजीज़ो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अर्ज किया, सारे मलाइका सुन रहे थे अल्लाह का कलाम और नबी का ये कलाम। हुजूर ने पहले क्या कहा अल्लाह की तारीफ में? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तैयिबात। तो रब ताला ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरे आका ने फिर कहा वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। तो ये दोनों के कलमे सुनने के बाद फरिश्तों ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये अगर कोई अत्तहियात का इतना टुकड़ा भी पढ़ ले तो उसे मेराज समझ में आ जाएगी, मेराज का सफ़र इसके अंदर। हम नमाजों में अत्तहियात में बैठे तो ये मंजर तसव्वुर में लेके आना चाहिए, ये मंजर तसव्वुर में लेके आए कि रसूल पाक ने ये जुमले अदा किए थे, फिर मेरे मौला ने अपने नबी को सलाम किया था, और उसके बाद मेरे आका ने हम गरीबों को याद किया था, फिर फरिश्तों ने सब शहादत बयान की थी, हम भी क्यों ना फरिश्तों की शहादत बयान करें। मेरे अजीज़ो, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब वहाँ से चलने लगे तो रब तबारक व तआला से आपने एक सवाल किया, मौला मुझे तूने इनाम में यहाँ तक बुलाया। देखें कहाँ कहाँ हुजूर पाक हमारा ख्याल फरमाते हैं कि सब यहाँ तक आ नहीं सकेंगे, सब तेरे दरबार तक यहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे, मैं जाऊँगा तो मेरी उम्मत मुझसे बार बार तेरे बारे में पूछेगी, और वो पूछेंगे कि या रसूल पाक आप तो पहुँच गए, हम कैसे जा सकेंगे? ए अल्लाह मैं अपनी उम्मत को क्या बताऊँ? तवज्जो, रब तआला ने फरमाया ए महबूब मैं एक तोहफा तुम्हारी उम्मत को देता हूँ, अगर वो इस पर अमल करेगी तो हर सजदे में उन्हें मेराज होगी, वो है नमाज का तोहफा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 50 नमाजें फर्ज की उम्मत मुहम्मदिया पर, कहा कि रसूल ये ले जाए 50 नमाजें अपनी उम्मत को पढ़ने का हुक्म फरमाए कि वो दिन और रात में 50 नमाजें पढ़े। मैं सोचता हूँ हैं तो घंटे 24, अगर 50 नमाजें फ़र्ज होती तो आधे घंटे से पहले अजान होने लग जाती, नहीं 24 घंटे में अगर आधे आधे घंटे पर भी हो तो 48 नमाजें होती, फिर 2 बज जाती थी। 50 नमाजें 24 घंटे में कैसे अदा करते, बड़ा मसला था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी जाहिर सी बात है वो बंदों पर उस्र तकलीफ़ तो नहीं चाहता, हर्ज में नहीं डालता, मौला इतनी ही इतना ही देता है हुक्म जितना बंदे उठा सकते। तो जब ये आधे घंटे में नमाज, हर आधे घंटे में कहाँ से आएगा बंदा, रब भी जानता है, लेकिन फिर फर्ज किया क्यों, उसकी बड़ी हुक्मत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 50 नमाजें लेकर के आए ये किसी आसमान पर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, मूसा अलैहिस्सलाम भी 6वें या 5वें आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और पूछा कि क्या आपकी बात हुई। हुजूर ने बताया, कहा मेरी उम्मत को अल्लाह ने 50 नमाजें अता की। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ रसूल वापस जाएं अपने रब से कहें कि कम कर दे, आपकी उम्मत इतना नहीं कर पाएगी। क्या कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने? आपकी उम्मत नहीं कर पाएगी। अब यहाँ देखें मेरे आका के इल्म गैब पर सवाल करने वाले, आज 5 वक्त की नमाजें पढ़ रहे हैं कि 50 पढ़ रहे हैं, 5 पढ़ रहे हैं ना। मूसा अलैहिस्सलाम को यह कैसे मालूम था कि उम्मत 50 नहीं पढ़ पाएगी? जब मूसा अलैहिस्सलाम को यह गैब का इल्म था तो मेरे नबी को कितना गैब का इल्म होगा? मूसा अलैहिस्सलाम ही ने तो कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए रब ताला से अर्ज किया मौला इसमें कुछ कम कर दे, 5 कम हुई, 45 लेकर आए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने रोका, कहा और कम कराए। 9 मरतबा हुजूर का जाना आना हुआ है, कितनी मरतबा? 9 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला के हुजूर जाते,
कम कराते आते। अब यहां पर भी बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि एक ही बार में डायरेक्ट 45 कम करा क्या जाते, अल्लाह को भी मालूम है। जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 5 लेकर के आए थे, 5, 45 घट गई, कितनी बची? 5। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने फिर कहा और जाइए कम कराइए, तब मेरे आका ने कहा अब मुझे शर्म आ रही है, अब हया आती है, इससे कम कराऊं। लेकिन रब ताला ने यह फरमा दिया, ए महबूब आपकी उम्मत ये अगर 5 ही पढ़े तो मैं 50 का सवाब दूंगा, 50 का पूरा सवाब दूंगा। ये 5 में वो 50 नमाजों का पूरा सवाब है जो पहले हमें फर्ज की गई थी। अब यहां पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं एक साथ कम करवा सकते थे जा करके, सीधे कहते 45 कम कर दे, 5 रख जाएंगे। मूसा अलैहि सलाम भी डायरेक्ट ही क्यों नहीं कहे इतनी कम करा के लेके आ जाइए डायरेक्ट। तो फरमाया मूसा अलैहि सलाम वो तजल्ली जो कोहे तूर पर देख नहीं सके थे, जो हल्की सी तजल्ली देखकर गश खाकर गिर गए थे, मूसा अलैहि सलाम वो रब्बे जुल जलाल की तजल्लियां मेरे मुस्तफा की आंखों में देख रहे थे, मेरे नबी की आंखों में देख रहे थे, आंखों में आंखें डाल करके मौला को देखकर आने वाली आंखें कैसी हैं। तो इसलिए जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला के हुजूर से वापस आते, वो आंखों में ताजा जमाल और जलाल मेरे रब्बे जुल जलाल का मूसा अलैहि सलाम तवज्जो से देखते और फिर कहते जाइए आप। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला यह था अपने रब के हुजूर जितनी बार जाऊं कम ही है, बार बार मुलाकात करूं, और रब ताला ये फर्ज चाहता है कि मेरा महबूब आए जाए आए जाए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिर में ये तोहफा लेकर तशरीफ लाए मेराज के इस सफर में। मेरे अजीजों ये सफर यूं ही कंप्लीट नहीं होता,